जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिषा डॉक्टर संदर सक्सेना। मैं हरिद्वार उत्तराखंड से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नए वीडियो के साथ आई हूँ और आज मुझे आपको कुछ बताना है। मेरे पास डेली बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है। ये मैसेज दो चार नहीं होते हैं बल्कि हजारों में होते हैं और मैक्सिमम जो लोग आते हैं वो लव रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, पति पत्नी के संबंधों को अच्छा करने के लिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए, या संबंध खराब हो गए हों, चाहे दोस्त से हो, मित्र से हो, भाई से हो, बहन से हो, रिश्तेदारों से हो, किसी खास बॉस से हो गए हैं, कलीग से हो गए हैं। हमारे पास सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आती हैं रिलेशनशिप के बारे में। और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं और ऐसे लोग भी हैं जो मुझे मैसेज करते हैं और कहते हैं कि घर में पूजा पाठ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, कोई उपाय बताओ, लेकिन वो घर में पूजा नहीं कर पाएंगे तो मुझे उनको कोई उपाय बताना है। ऐसे लोग भी आते हैं। तो यदि आप भी इस वाली कैटेगरी में हैं कि आपका कोई प्रॉब्लम तो है लव रिलेशनशिप को या पति पत्नी के रिलेशन को लेके या किसी अन्य रिलेशनशिप को लेके, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही क्यों ना हो, लेकिन आप भी प्रॉपर पूजा पाठ कर नहीं पा रहे हैं और आपको कोई सटीक सा उपाय चाहिए जिससे कि करें और आपका काम हो जाए, तो आज का वीडियो आपके लिए है। तो जुड़े रहिएगा अंत तक और मैं आपको ऐसा उपाय बताऊंगी जिसको आप करेंगे तो आपका पक्का काम हो जाएगा। लेकिन इससे पहले ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपनी प्यारी प्यारी सहेलियों और मित्रों में इसको शेयर कर सकते हैं। आपका कोई व्हाट्सअप ग्रुप हो तो उसमें शेयर कीजिएगा। भगवान गणेश की मेहर आप पे जरूर पड़ेगी और भगवान गणेश की कृपा से आपकी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो गणेश जी आपको जरूर फॉलो करेंगे क्योंकि मेरे पास भगवान गणेश की सिद्धि है और मैं काली का माँ पर बहुत विश्वास करती हूँ और इन दोनों की ही बहुत पूजा करती हूँ। तो मैं आपको उपाय बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आपको ये भी बताना है कि यदि आपकी कोई समस्या है, आप इसी दुख में है, कोई ऐसी परेशानी है, कोई ऐसा दुख या दर्द है जिसको आप किसी से कह नहीं सकते, किसी को बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको उस तकलीफ से बाहर आना है, मुक्ति पानी है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दिए हुए जो ऊपर के आपको नंबर दिख रहे हैं 8126476399 वाला या 9027828840 वाला या 8171917721, कोई भी नंबर आप मेरा इस पे से उठा लीजिए, 8979322840 पे करें। चाहे आपको जस्ट व्हाट्सएप पे आपको लिखकर भेजना है कि मेरा नाम फला फला है और मुझे इस तरह की परेशानी हो गई है, कृपा करके आप मेरी मदद करें। आपको एक मैसेज ड्रॉप करना है, साथ में आपको अपनी एक फ़ोटो भेजनी होगी क्योंकि जब तक आपकी फ़ोटो मेरे पास नहीं आएगी मैं बता नहीं पाऊंगी। आपकी फ़ोटो चाहिए होगी, आपका पूरा नाम चाहिए होगा और आपकी क्या उम्र है, चाहे आप 15 साल, चाहे आप 25 साल के हों, 35 साल के हों, 50 साल के हों, 72 साल के हों या 40 साल के हैं, आपकी उम्र, अगर आपको डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ टाइप, डेट ऑफ प्लेस पता है, अपना जन्मदिन, जन्म तिथि, जन्म का समय पता है तो वो भी आप लिख सकते हैं। और अगर आपके पास आपकी कुंडली बनी हुई रखी है तो कुंडली की फ़ोटो खींच के साथ में भेज सकते हैं। और साथ में आपको क्या पूछना है, क्या जानना चाहते हैं, आपको वो पूरी की पूरी बात को रिकॉर्ड करना है व्हाट्सएप पे ही बोल कर। और जब आप बोलकर उस बात को रिकॉर्ड कर लेंगे तो आप मुझे आपका नाम, आपकी फ़ोटो, आपकी पूरी प्रॉब्लम रिकॉर्ड करके भेजेंगे। साथ में अगर आपके पास कुंडली है तो कुंडली की फ़ोटो खींच के भेज देना। और आप 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, जितने आप ये मर्जी है पूछ लो, लेकिन अपने टाइम का आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। बहुत सारे लोग पूजा पाठ कराते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं प्रेयर्स कराने के लिए। आप मेरे पीछे बहुत सारे अवार्ड्स देख रहे होंगे, अब तक मुझे 40 से ज़्यादा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रूप से अवार्ड्स मिले हैं और मैं एक अकेली ऐसी लड़की हूँ भारत की जिसका नाम डॉक्टर संध्या सक्सेना है, जिसको ISO 9001 मिला है, मेरे नाम को मिला हुआ है। तो अगर आपको जो है कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, सटीक जानकारी, आपका काम होगा या नहीं होगा और काम होगा तो कब तक होगा, कौन से ग्रह खराब है और किस तरह से खराब है, वो मैं आपको सब बता दूंगी अगर आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। तो आज का जो टॉपिक था वो सिंपल सा ये है कि अगर आपके पास प्यार को लेके कोई परेशानी आ गई है और आप उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे हैं तो आपको कोई पूजा पाठ करने नहीं दे रहा है या आप नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा क्या उपाय करें जिससे आपका काम जल्दी हो जाए, वो मैं आज आपको बताऊंगी। और आप इसको कीजिएगा,
करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि हम जब भी कोई प्रार्थना भगवान से करते हैं कि मेरा ये काम हो जाए, तो उसके निमित्त सबसे पहला जो देवता है वो गणेश है। जब तक आप भगवान गणेश को ध्यान नहीं करते हैं, भगवान गणेश का ध्यान नहीं लाएंगे और गणेश जी को नहीं कहेंगे कि भैया मेरा ये काम कर दो, तब तक आप यकीन मानिएगा काम नहीं होगा। क्योंकि इस दुनिया में मुहूर्त काल बहुत विशेष है और उसमें गणेश जी बड़े विशेष है। जब तक गणेश जी को हम पुकारते नहीं हैं, आपने देखा होगा कि आप कोई भी पूजा घर में करो, चाहे कोई पैदा हुआ हो, चाहे किसी को गति हो गई हो या कुछ भी घर में अच्छा काम होता है, बिना गणेश का आह्वान किए कोई पूजा नहीं होगी। दूसरे नंबर पे मुहूर्त, अगर आप पूजा को किसी ऐसे टाइम पे स्टार्ट करते हैं जो अच्छा टाइम नहीं है, जैसे राहु काल हो गया और बहुत सारे पंचांग में आप देखिएगा कि ऐसे कुछ काल होते हैं, शूल काल, राहु काल वगैरह वगैरह, कुछ योग ऐसे होते हैं, अगर उस टाइम पे हम पूजा पाठ करते हैं तो वो पूजा हमको दोबारा तिवारा चुवारा भी करनी पड़ सकती है और तब उसका फल आता है। कुछ ऐसे काल होते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप किस समय पे पूजा कर रहे हैं एक बात, या उपाय करने जा रहे हैं वो बात, और दूसरा बात है जब तक आप गणेश जी को आह्वान नहीं करेंगे आपकी पूजा नहीं लगेगी, फिर चाहे आप कोई भी पूजा करो, कोई भी उपाय करो, कोई भी टोटका करो। तो समय का जरूर ध्यान रखना चाहिए। कुछ ऐसी काल होते हैं जिसमें अगर आप कोई काम करते हो तो वो उस समय पे पूरा नहीं होगा, फिर आपको उस काम को दो बार करना पड़ेगा। जैसे पंचक लग जाते हैं ना, तो उस काम को 5 बार करना पड़ता है। इसी तरीके से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं मुहूर्त, इसलिए पंडित और मुहूर्त की विशेष चर्चा होती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चौथी बात यह है कि जो भी आप पूजा, ये पाठ या जो भी मेरा बताया हुआ उपाय करेंगे, इसको गाना नहीं है, किसी को सुनाना नहीं है, किसी को बताना नहीं है। और हमेशा याद रखिए, किसी का कोई भी उपाय करो, कोई भी पूजा करो, कभी भी उसको किसी को बताओ मत, गाओ मत, कहो मत कि मैंने तो ये करा है मेरा काम नहीं हुआ, या मेरा काम कब होगा, या मैंने तो ये उपाय किया था मेरा काम हो गया, किसी को नहीं बताना चाहिए, उपाय खंडित हो जाता है, ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। चौथी बात यह है कि जब आप कोई उपाय करते हैं तो उस उपाय में शिद्दत रखें, ईश्वर की ऊपर शिद्दत रखिए, और आप शिद्दत रखिए कि आपका काम आज नहीं तो कल हो जाएगा। भगवान पे क्वेश्चन या डाउट नहीं करते, इन सब चीज़ों का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे तो ही आपका काम पूरा होगा। तो ऐसा कौन सा उपाय है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पूरा का पूरा जीवन हम सभी ग्रहों से बहुत ज़्यादा पीड़ित रहते हैं, ये आपको समझ लेना चाहिए। जब मैं आपकी कुंडली देख के बताती हूँ कि आपका सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध या शुक्र, शनि, राहु, केतु कुछ खराब है, तो आप उसको मजाक समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये मजाक वाली चीज़ नहीं है। यदि किसी इंसान के शरीर के पैरों में दर्द रहता है, शरीर में चोट पैरों पे लगती है, कमर पे लगती है, एड़ी पे लगती है, घुटनों पे लगती है, तो यकीन मान के चलिए कि उस इंसान का शनि खराब होता है। शनि ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो कमर के नीचे दर्द और चोट देता है। यदि किसी इंसान को ब्लॉकेज की समस्या है, अर्धंग यानी कि फालिस मार गया है, नसों से संबंधित कोई दिक्कत है, तो उसका शनि खराब होता है। यदि किसी इंसान के हृदय की समस्या है, हार्ट काम नहीं ठीक से कर रहा है, तो उसको सूर्य प्रभावित करता है। यदि किसी इंसान का फेफड़ों में संबंधित सांस लेने की दिक्कत है, तो उसका बृहस्पति खराब होता है। लीवर जब भी किसी का खराब होगा, बृहस्पति खराब होता है। फेस में कोई दिक्कत परेशानी आती है, मुहासे आती है, चोट लगती है, तो मंगल खराब होता है। हर ग्रह हमारे बनाए ही गए हैं, 9 के 9 ग्रह, वो हमें बताते हैं कि क्या हो गया है और क्यों हो गया है। 9 के 9 ग्रह आपके खराब होते हैं, तभी प्रॉब्लम होती है। और इसी तरीके से यदि कोई लड़का और लड़की, या पति या पत्नी, या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, किसी भी कारण से प्रेम संबंध उनके खराब हो रहे हैं, तो मेजर 5 ग्रह होते हैं जो ऐसा करते हैं। पहले नंबर शनि, शनि तलाक भी करवा देते हैं, शनि अलगाव भी करा देते हैं। यदि लड़का या लड़की में से किसी का एक का भी शनि खराब होगा, तो या तो तलाक हो जाएगा या अलगाव हो जाएगा, इसलिए शनि को ठीक करना जरूरी होता है। दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता है बृहस्पति। बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो कि अगर खराब हो जाए तो सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देता है और लव रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। तीसरे नंबर पे आता है शुक्र। यदि लड़का या लड़की में से किसी एक का शनि खराब, शुक्र खराब है, तो प्रेम संबंध अच्छे नहीं होंगे, लव रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा, और वो एक दूसरे को छोड़ के किसी और के साथ चल पड़ेंगे। राहु खराब हो गया तो आपका साथी जो है आपको छोड़ के किसी और के पास चला जाएगा। केतु अगर खराब हो गया तो लव रिलेशनशिप पे नजर बाधा लग जाती है, यानी कि हर प्लैनेट का एक खास मतलब है। और अगर आपका मंगल खराब है तो जिस इंसान से भी आप प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, उससे हमेशा लड़ाई झगड़ा होगा, शादी तो हो ही नहीं पाएगी, अगर हो भी गई तो टूट जाएगी। यानी कि ग्रह और उनकी शांति करानी बहुत ज़रूरी होती है, मैं आपको ये समझा रही हूँ। पर फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को बहुत सीरियस नहीं लेते हैं, लेकिन
भगवान ने 9 ग्रह ही इसलिए बनाए हैं जिससे कि आपके वो ग्रह आप उसको ठीक कर सके, और उस 9 के 9 ग्रहों को ठीक करने के बाद ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन मिल सकेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि शरीर अगर बीमार है तो क्यों बीमार है, ग्रह की वजह से बीमार होता है। इसी तरह से अगर आप रिलेशनशिप में प्रॉब्लम में है तो वो भी ग्रह की वजह से होती है। भाई बहनों से झगड़ा तभी होगा जब मंगल खराब होगा, पत्नी से झगड़ा तभी होगा जब शुक्र खराब होगा, पति से झगड़ा तभी होगा जब बृहस्पति खराब होगा, तलाक तभी होगा जब शनि खराब होगा, और ऐसे हर चीज का एक रीजन है। समझ रहे हैं आप? तो पूजा पाठ अनुष्ठान तो आपको करवानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमने बात की थी कि मैं कुछ आपको ऐसा उपाय बताऊंगी जिससे कि अगर आप उसको करते हैं बिना पूजा पाठ के भी, तो आपको आपके जो लव रिलेशनशिप में थोड़ा सा आपको फायदा दिखेगा। तो क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। यदि आपका संबंध खराब हो गया है और आप पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रीजन से, तो कम से कम जो भी ग्रह मैं आपको आपकी रीडिंग में बताऊं कि शुक्र खराब है, शनि खराब है, राहु खराब है या केतु खराब है, मैं कुछ ना कुछ अगर आप मुझसे रीडिंग कराते हैं तो मैं बताती हूँ, तो आपको उस ग्रह के निमित्त अपने आप से उसके जाप आप कर सकते हो। तो मानसिक रूप से चुपचाप घर में बैठे बैठे भी हम जाप कर सकते हैं, तो प्लीज आप वो जाप कीजिए क्या अगर आप कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा प्रयोग देने आई हूँ कि अगर आप बहुत ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप इसको जरूर कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। तो वो ये है उपाय कि यदि आप कोई खास मनोकामना है, जैसे आपका संबंध ही खराब हो गया है और आप उसको ठीक करना चाहते हैं, लव रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको 108 लौंग लेनी है, लेकिन उन पे फूल बना होना चाहिए। शुक्रवार वाले दिन ये प्रयोग होगा। 108 आपको लौंग लेनी है, और इन 108 लौंगों पर आपको जो है क्या करना है, जो ये शुक्र के लिए वाले दिन आपको करना है, सुबह के टाइम करेंगे, दुर्गा मंदिर में जाएंगे, इन 108 लौंगों पर आपको एक सिंदूर की डिब्बी लेनी है, और उसमें एक एक लौंग को आप डुबोएंगे उस सिंदूर में, और माता दुर्गा के पास एक पान का पत्ता रखना है, थोड़ा बड़ा पत्ता रखना है, बड़ा पान का पत्ता रखना है, और उसके ऊपर जो अपने सिंदूर की डिब्बी ली है उसमें एक लौंग लेंगे और उसको ऐसे डुबोएंगे, और फिर आपको बोलना है कि माँ मैं जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ या करता हूँ, मेरा पति या मेरी पत्नी या मेरा बॉयफ्रेंड या मेरी गर्लफ्रेंड जो भी है, उसका नाम लेके, जैसे कि मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि हे माँ मैं चाहती हूँ कि रुद्राक्ष मुझे जान से ज़्यादा प्यार करे, हमेशा मेरे साथ रहे, मुझे बहुत प्यार करे, मेरे साथ हमेशा खुश रहे, ऐसा करके मैंने लौंग ली और उसको मैंने उस पर टिका कर, उस पर मेरे को 3 बार बोलकर, फिर वो जब पान का पत्ता रखा है उस पर टिकाना है, फिर दूसरी लौंग लूंगी वो भी फूल वाली होनी चाहिए। ऐसे 108 लौंग पर आपको हर लौंग पर 3 3 बार आपको विश बोलनी है, और आपको उसको पान के पत्ते पर रख देना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि माँ मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर दो, मैं अबोध हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं जानती हूँ, बस आपको अपनी विश को बहुत ही प्यार से, बहुत ही सरल तरीके से बोलना है माँ को, और कि मेरा उससे प्यार खराब हो। सिंदूर का संबंध हमने इसलिए जोड़ा है क्योंकि पति पत्नी या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सिंदूर से बंधे होते हैं, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ जब किसी को प्यार करने लगती हैं तो उसको अपने पति स्वरूप कंसिडर करने लगती हैं, तो बहुत सारे लड़के भी जब किसी से प्यार करते हैं सच्चे दिल से तो उसको अपनी पत्नी के रूप में कंसिडर करने लगते हैं, इसके अलावा पति पत्नी तो हैं। तो इसलिए मैंने आपको कहा है कि अगर आपको साथी ने ब्लॉक किया हो, बात न कर रहा हो, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करने लगा है, इतना झगड़ने लगा है कि आपको समझ में नहीं आता है कि क्या करें, तो आपको ये शुक्रवार वाले दिन करना है, बड़ा सा पान का पत्ता लेना है, उस तरह से लौंग रखकर आपको एक एक बार में अपनी विश को बोल देना है। यकीन मानिए इससे आपकी जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। आप इस प्रयोग को अगर एक बार में आपको लगता है कि फ़र्क नहीं पड़ा है तो आप इसको 3 शुक्रवार कीजिए, मैं गारंटी दे रही हूँ माता आपका काम जरूर कर देगी। और जब आपकी ये सारा माँ को चढ़ा दोगे तो फिर एक बड़े से दिए में ये सारी 108 की 108 लौंग डालकर और उस पर खूब सारा कपूर डालकर उसको वहाँ जला दीजिएगा, और जब वो चल रहा हो तो उसे देखिएगा और बोलना कि माँ मेरे और उसके रिश्ते के बीच में जो भी दरार है, परेशानी है, चाहे वो किसी ने कुछ किया हो, कराया हो, टोना हो, टोटका हो, कुछ भी हो, तो दूर हो जाए। आप इसको करके देखिए, इस उपाय से आपकी मनोरथ पूरी हो जाएगी। आपको बस एक बार मंदिर जाना है, इसमें कोई मंत्र नहीं है, कोई पूजा नहीं है, कोई पाठ नहीं है, बस आपको लौंग छुड़ानी है मनोकामना बोल के। और एक और मैं आपको उपाय बता रही हूँ, एक आता है तिलस्लमी, तिलस्लमी, तिलस्लमी
एक यंत्र आता है, अगर आपको कहीं से ये तिलसमी यंत्र मिल जाए, ठीक है, महरूनी तिलसमी यंत्र करके ऐसा एक यंत्र आता है, अगर आपको ये यंत्र मिल जाता है रियल ओरिजिनल, ये आपको कहीं मिल जाए, तो आपको, अगर आपको ये यंत्र मिल जाए तो आप ये कम से कम 40-42 यंत्र बाजार से ले आइए। आपको उस पूरे के पूरे यंत्र में कुछ नहीं करना है, बस उस यंत्र के नीचे आपको आपकी इच्छा को लिखना होता है। मैं चाहता हूँ कि मेरी जॉब लग जाए, या मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे बहुत प्यार करे, या मैं चाहती हूँ मेरा ये काम हो जाए, आपको बस उस पर लिखना है। और उसके बाद आप उसको, उसमें बताया होता है कि इसको कैसे यूज़ करना है, उसको आप, उसको जलाना होता है, ठीक है, जलाइए रोज एक यंत्र पे, सेम इच्छा लिखकर जलाना होता है, यानी कि एक इच्छा को आपको रोज उस यंत्र के नीचे लिखना है, और फिर यंत्र को जला देंगे, फिर यंत्र पे लिखेंगे, फिर जला देंगे, ऐसा डेली करना होता है। और इसको जो लोग करते हैं, ये दोपहर के 3 बजे किया जाता है, या फिर रात को 11 बजे किया जाता है, या अर्ली मॉर्निंग 7 बजे के आसपास कर सकते हैं। उसको जला दिया जाता है, बस उस पर लिखना है और जलाना है, और कुछ नहीं करना, कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं करना, बस आपने उस पर लिखा और आपने उसको जला दिया, आपने लिखा और आपने जला दिया। आप यकीन नहीं मानेंगे कि 7-8 नहीं 11-12 दिन, किसी किसी को 3 दिन में तुरंत रिजल्ट आता है, आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। ये कैसे करता है ये तो आपको मैं नहीं बता सकती, क्योंकि ये यंत्र कमाल का है, और इसमें जो वो जो एक आकृति बनी होती है किसी चीज़ की, वो आकृति एक देवदूत की आकृति है, उसके नीचे आपको बस अपनी विश लिखनी होती है और उसको फूंक देते हैं। तो आप 40, मैंने इसको लिए बोल रहे हैं कि 40 आप लेके रख लीजिए, वैसे तो काम तो 27 दिन के अंदर हो जाता है, किसी का 15 दिन, किसी का 20 दिन, किसी का 27 दिन में, पर एक्स्ट्रा मंगा के रखने में क्या दिक्कत है। किसी की बहुत ख़राब वाली परिस्थिति होती है ना, जैसे कि किसी को कैंसर वैंसर हो गया, या किसी का बिल्कुल कोर्ट केस ख़त्म ही होने वाला है, कि अब तो कोर्ट केस हो ही जाएगा 2-4 महीने में, उसको हम बोलते हैं कि भाई 40-42 दिन तक आप इस पर लिखो और जलाओ। अब यकीन मानिए इससे फ़ायदा होता है, और इसमें कोई भी कोई पूजा पाठ काम नहीं कर रही है, बस लिखना है और जलाना है, लिखना और जलाना है, लिखना और जलाना है। अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझसे भी मंगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको कुछ पूछना हो तो व्हाट्सअप दिए हुए नंबर हैं ऊपर 3, और कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन फिर से बोलूँगी, ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ग्रह को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है रावण भी ग्रहों से बहुत परेशान था, इसलिए उसने सारे ग्रह अपने घर में ही बंद कर रखे थे, और शनिदेव को कभी सीधे नहीं देखते हैं, कहते हैं शनिदेव को सीधे देखोगे तो उनकी दृष्टि अगर आप पे पड़ गई तो आप भी कबाड़ कर लोगे अपना। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपका दिन, आपसे उम्मीद है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक करके नीचे अपनी इच्छा लिखिएगा जरूर। आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ हो, हर महादेव, धन्यवाद।